हेलो, कंटिन्यू करते हैं, ट्राई करते हैं, हम कंप्लीट करते ही करते हैं, है ना। चलो, और आपके डाउट्स जो है ना, अभी आपके डाउट्स आएंगे, अभी देखे नहीं है, मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। थोड़ी ठीक नहीं है, सारे डाउट्स वगैरह आपको अच्छे से समझा के बाद में ले लूँगा अभी, ठीक है। एनी हाइड्रेट सब्सटेंसेस, एनी हाइड्रेट सब्सटेंसेस, हमने हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस से पढ़ लिया था। वो ऐसे सब्सटेंस के अंदर जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, सर वाटर था, यकीन हो रहा है, थोड़ा एडवांस होते हैं, हम सीखते जा रहे हैं। जब कुछ नहीं आता था तब मैंने बोला उसके अंदर वाटर था, लेमन लैंग्वेज में। अब आप पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट बनोगे, तो थोड़ा एडवांस होते जाओ, ठीक है। तो हमने देखा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अब हम डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने डेफिनेशन को। हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस मतलब कि जिसके अंदर क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, कुछ प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर से हम कुछ वाटर को अलग करते हैं, वाटर को अलग करते हैं, लेकिन वो वाटर सब ढंग से अलग नहीं हो पाता, कुछ वाटर का फिर भी सब्सटेंस के अंदर रह जाता है। तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वाटर अगर किसी सब्सटेंस के पास अगर है, तो उसको हाइड्रेटेड सब्सटेंस तो उसको हाइड्रेटेड सब्सटेंस बोलेंगे। और अगर किसी सब्सटेंस के पास नहीं है तो उसको एनी हाइड्रेट। लेकिन सर किसके पास है, क्या उसके यहाँ बना नहीं बना सकते, यहाँ बना सकते हैं। अगर कोई हाइड्रेटेड सब्सटेंस है जिसके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, आप उसको हीट करो, आप उसको हीट करो, हीट करके इतना ही वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतना ही वाटर है, उसको वेपर में चेंज कर दो, उसको इवापोरेट कर दो, सारा इवापोरेट कर दोगे तो सिंपल सा सब्सटेंस क्या रहेगा, सब्सटेंस रह जाएगा विदाउट वाटर, सब्सटेंस विदाउट वाटर। और सब्सटेंस विदाउट वाटर को हम बोलते क्या है, हाइड्रस, हाइड्रस सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वही बन सकता है, इतना हमने अभी तक पढ़ा था। आप पढ़ते हैं एनी हाइड्रस सब्सटेंस क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन नहीं बता रहे, सब्सटेंस एनी हाइड्रस, हम किसी सब्सटेंस को एनी हाइड्रस का बोलेंगे इफ इट कंटेन्स नो वाटर, अगर इसके पास कोई भी वाटर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट लैकिंग देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसा सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे सॉल्टी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एनी हाइड्रस सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। द टर्म एनी हाइड्रस इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज व्हेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लो। वो कह रहा है जो एनी हाइड्रस सब्सटेंस बेसिकली यूज जो किया जाता है ना, वो उन सब्सटेंसेस के लिए यूज नहीं करता, मोस्टली बात करना, मोस्टली कर तो सकते हो, पर मोस्टली जो बेसिकली हमारे फैशन में जो चलता है वो हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि सब्सटेंस के पास अगर वाटर नहीं है तो हम उसके लिए यूज करें। हम बेसिकली यूज तब करते हैं ये कि जब किसी के पास था, बस वाटर था, बट वो वाटर था, बट वो आपने रिमूव कर लिया, तो रिमूव करने के बाद जो सब्सटेंस बचता है ना, हम ऐसे सब्सटेंस को एनी हाइड्रस का यूज कर एनी हाइड्रस का यूज करते हैं मोस्टली, है ना। मोस्टली आप कर सकते हो वैसे ही, बट मोस्टली यूज करते हैं। एनी हाइड्रस कैन ऑल्सो रेफर टू द गैसेस फॉर्म ऑफ सम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सच एज अमोनिया टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म। वो कह रहे हैं एनी हाइड्रस को कभी कभी हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी गैसेस से भी रेफर कर सकते हैं। रेफर टू द एनी हाइड्रस को कैन ऑल्सो रेफर टू द गैसेस फॉर्म ऑफ सम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी एनी हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एनी हाइड्रस का कभी कभी और मीनिंग क्या निकल सकता है, रेफर मतलब होता है मीनिंग बताना, एनी हाइड्रस कभी कभी और क्या मीनिंग रेफर कर सकता है, वो कह सकते हैं उसका मीनिंग कभी पता है क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन है बहुत कंसंट्रेटेड है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो सॉल्यूशन जो है ना वो गैस फॉर्म में है, तो उसे गैस फॉर्म वाले सॉल्यूशन को रेफर करने के लिए, ऐसे गैसेस फॉर्म वाले सब्सटेंस को रेफर करने के लिए भी हम एनी हाइड्रस वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया जैसे अमोनिया, अमोनिया गैस है, कोई लिक्विड नहीं है, अमोनिया एक सॉल्यूशन तो है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस थ्री, का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस थ्री, इसके अंदर नाइट्रोजन का एक एलिमेंट होता है और एच के यानी हाइड्रोजन के थ्री एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर वाटर तो बनता है, इसके अंदर वाटर नहीं होता। तो वो कह रहा है कि बेसिकली एग्जाम्पल वो दे रहा है कि सच एज अमोनिया जो कि क्या डिस्टिंग्विश है, जो कि क्या बिल्कुल डिफरेंट है इससे, एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म से, है ना। एनी हाइड्रस सब्सटेंस आर यूज टू परफॉर्म सडन केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हेडिंग डालना यूज अलग से, ये हेडिंग क्यों डलवाते हो, कभी कभी क्वेश्चन यूज के बारे में पूछता है तो आपको पैराग्राफ ढूंढना ना पड़े, आपको हेडिंग मिली आप डायरेक्ट वहाँ पे लोकेट कर पाओ,
ठीक है, तो एनी हेड ऑफ सब्सटेंस का यूज़ किया, तो बेसिकली कह रहे हैं एनी हेड ऑफ सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं ना बेसिकली बस केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट कैन नॉट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि हो नहीं सकता, जो कि हो नहीं सकता इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में हो नहीं सकते अगर किसी सब्सटेंस पर हमें केमिकल रिएक्शन करना है, लेकिन वो रिएक्शन ऐसा है कि हम उस कि उसके अंदर वो सब्सटेंस ऐसा है कि उसके अंदर वाटर है लेकिन वाटर के साथ वो रिएक्शन हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसको एवापोरेट करेंगे, उस सब्सटेंस के अंदर से वाटर निकालेंगे, उस सब्सटेंस के अंदर से क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे, उसको एनीहाइड्रेट करेंगे, उसको क्या करेंगे एनीहाइड्रस बना लेंगे, उसको एनीहाइड्रस बना लेंगे और तब जाकर हम उसका यूज़ करते हैं, तो एनीहाइड्रस का मतलब समझने का कैसे कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली हाइड्रेटेड को एनीहाइड्रस बनाने के लिए चेंज करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है टेबल सॉल्ट इज एनीहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, गैसेस हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एनी, ये एक एनीहाइड्रस है, अब उन्होंने ये बता दिया कि जो है ना ये गैसेस फॉर्म में होता है, उन्होंने ये बता दिया, तो फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ नहीं, एनीहाइड्रस सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू एनीहाइड्रस सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये लाइन पढ़ने वाली बात है, लॉजिकली है, मैंने भी एग्जाम्पल ही देता, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पर वाटर वाले सब्सटेंस पर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, तो आप उस वाटर वाले सब्सटेंस यानी उस हाइड्रेटेड सब्सटेंस पर आप क्या करोगे इवेपोरेट करोगे ना, तो यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट आप कैसे निकालोगे, सर हाइड्रेटेड सॉल्ट से, हाइड्रेटेड सॉल्ट से कैसे निकालोगे, वहाँ से वाटर रिमूव करके, तो वो लिखा हुआ है एनी हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट बाय केयरफुली रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम देम, इट कैन बी डन बाय, इसको कैसे कर सकते हैं, ये हीट है आप उसको डायरेक्ट हीट कर दो, खुले एरिया में छोड़ दो खुली हवा में और हीट होता रहे, या फिर अंडर वैक्यूम उसमें करते हैं बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग डिसिकेटिंग एजेंट्स सच एज वर्म कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ एसिड भी आते हैं, कुछ एसिड भी आते हैं, इससे पानी उड़ जाता है, इससे पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो आप ऐसे एसिड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो चार तरीके इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन का आपसे पूछा हाउ डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, हाउ डिहाइड्रेटेड सब्सटेंस लिखो बेसिकली, हाउ क्वेश्चन लिख लो आप चाहो तो एक खुद से, पता नहीं आपकी बुक में लास्ट में है या नहीं, हाउ एनी हाइड्रेटेड सब्सटेंस कैन बी टर्न इंटू कैन बी टर्न TURNED टर्न इंटू एनी हाइड्रेटेड सब्सटेंस, ठीक है, और लिखा के लिखो और इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरह से कैसे बुझा सकते हैं, हाउ कैन यू ऑब्टेन एनी हाइड्रस सॉल्ट, हाउ कैन यू ऑब्टेन एनी हाइड्रस सॉल्ट फ्रॉम, सॉरी एनी हाइड्रस सब्सटेंस, एनी हाइड्रेटेड सब्सटेंस फ्रॉम हाइड्रेटेड सब्सटेंस, फ्रॉम हाइड्रेटेड सब्सटेंस, ठीक है, हाँ सर इसका ये वाला है, ठीक है, द क्रिस्टलाइन शेप ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट नेसेसरी द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, इन फैक्ट देर आर नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन दैट क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर विदाउट होल्डिंग एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कह रहा है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था ध्यान हो तो आपको हाइड्रेटेड सॉल्यूशन वाले हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस के अंदर लास्ट वीडियो में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जो है ना वो हेल्प करता है एक शार्प शेप देने में, एक एज वाली शेप देने में, एक पेनी शेप देने में, एक नुकीली शेप देने में हेल्प करता है, तो वो कह रहा है ये ओनली रीजन नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो शेप आती है ना शेप, वो जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि वो केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आई हो, जरूरी नहीं है कि वो, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेल्प करता है बट ये ओनली रीजन नहीं है, ये ओनली तरीका नहीं है उसको साफ करने का, ठीक है, कभी कभी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे देयर आर नंबर ऑफ सॉलिड्स, कुछ बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे भी जो सिंपल वाटर से, वाटर क्रिस्टलाइजेशन से नहीं, सिंपल जो नॉर्मल वाटर होता है ना उससे भी शेप ले लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है पानी किसी ट्रूफर्स वगैरह पूछ सकता है, क्वेश्चन फ्रेम नहीं करवा रहा बस क्वेश्चन मैं आपको दूँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एक स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं, मैं बता दूँ क्वेश्चन किस तरह से लिख सकता है, आप तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना, आपको स्टेटमेंट लिख के दे सकता है,
कि द क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस वाटर गिव्स द क्रिस्टल देयर शेप। ठीक है, फिर वो कहता है, फिर वो इसी लाइन को कह सकता है कि वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, या वेरीफाई दिस लाइन, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट ही बोलेगा, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन whether any substance can get shape, can get shape without water of crystallization, without water of crystallization। तो आपको आसान से यस, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस ना हैं, ये रहे सर एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे ना सर, ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं तो उनको प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तो इनके नाम दे दो कितने सब्सटेंस हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते नहीं है पर फिर भी एक शेप ले लेते हैं सिंपल वाटर से, जैसे कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे खाते हैं, NaCl, नाइट्रे, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली बोलते हैं इसको, शुगर, ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं अगर सिक्स की फिजिक्स से सिक्स से अगर केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो सिक्स से लेके ट्वेल्थ का ये वर्ड आता ही आता है शुगर का फॉर्मूला, तो आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला का ध्यान रखना, याद रख लेना C12H22 11। ठीक है, सी एच ओ याद रखना, सी एच ओ एक 1-2 है, फिर 2 बार 2 है, 2 बार 1 है, 2-2 1 1-2 2-2 1 1-2 2-2 1 12-22-11। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं, ऐसे कुछ सॉलिड सोडियम क्लोराइड्स हैं कि बेसिकली विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कुछ कह रहा है करने के लिए, कितना रह गया, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इसको। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि ये बात कर रहा है इसकी, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट एंड इसकी बात कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ों की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं इन दोनों के क्रिस्टल्स को हीट करने पर क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों के क्रिस्टल्स को हीट करने पर क्या फर्क पड़ता है, देखें ज़्यादा क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहा है पहला प्रोसीजर, जेंटली धीरे धीरे, जेंटली मतलब धीरे धीरे, जेंटली हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड, प्योर लेना है, इम्प्योर नहीं, यानी और कुछ चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं होनी चाहिए, इन वन टेस्ट ट्यूब, सर क्या ये मैं घर पर कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इन वन टेस्ट ट्यूब है ना, एंड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट अनदर, दोनों को लेना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस अ क्रैकिंग साउंड, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको देखोगे सोडियम क्लोराइड वाले ट्यूब में से ना एक साउंड आ रहा है, वो क्रैकिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं डी क्रेपिटेशन, याद रखेंगे डेफिनेशन ये सर, ये तो ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है तो कोई रूट का पार्ट है नहीं, नहीं ये रूट का पार्ट है, आपके क्वेश्चन से बन सकते हैं कैसे साउंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग सिस्टम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड, वो प्रोड्यूस व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डीक्रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसका रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बिगर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोलर बंच, तो क्या होता है जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे बने लगते हैं, तो जब कुछ टूटती है तो अवस्था आएगी आएगी ब्रेकिंग के, तो ये रीजन है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम होता है, जो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम होता है बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट, फर्स्ट मेल्ट टू कलरलेस लिक्विड, ये तो सबसे पहले किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, पहले तो किसमें चेंज होगा ये लिक्विड में, देन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब और ज्यादा हीट करोगे तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बिच रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्रिंट, ज्यादा इसकी मीनिंग लिखो, उसकी मीनिंग मुझे भी नहीं पता, रिकिंडल्स का मीनिंग लिखो, मैं आपको कर बताता हूँ जरा, REKINDLE किंडल, अच्छा किंडल, ठीक है, किंडल मतलब द्वार से जलाना, री आ गया ना, री मतलब द्वार से जलाना,
ठीक है, दोबारा से जलाना, टू बर्न अगेन, टू बर्न अगेन, ऐसा लिख लो। ठीक है, तब उसको द्वार से क्या करो, हीट करो, फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो वो ग्लो कर लेगा, लेकिन तो ना द्वार से जलाना, पर यहाँ पर जलेगा कुछ नहीं, यहाँ पर लाइट से निकलेगी, वैसे रिकंडल था ग्लोइंग स्प्लेंडर, एक अलग सी शाइनिंग शाइनिंग से लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्राइड और लाइट येलो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट में, और वहाँ पे एक लाइट येलो कलर का एक सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, एक सॉलिड कलर का एक लाइट येलो कलर का एक मटेरियल बचा रह जाएगा वहाँ पर। ठीक है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन उड़ गया, देखो ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, तो ऑक्सीजन देखो अलग आग हो गया। ठीक है, बोथ ऑफ दी सब्सटेंसेस, बोथ ऑफ दी सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब दोनों में से किसी में भी वाटर ऑफ, सॉरी वो कह रहे, दो दो दोनों पर एग्जांपल दिए, दोनों में से किसी में भी क्या था, नहीं था, पर क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, पर फिर भी दोनों ने शेप चेंज की, नहीं की दोनों ने शेप चेंज की। ठीक है, बहुत लगे शार्प नहीं, पर शेप तो चेंज हुई ना, हाँ तो शेप चेंज होना इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज पता नहीं किसी के प्रॉपर्टी दे रहा है, आई थिंक ये दोनों की चीज़ की दे रहा होगा। एफ्लो, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब देखो, देखो इसका मतलब दो रुक मैं आपको समझा दूँ, इसका मीनिंग कैसे लिखा, मतलब है अ फेनोमेनन वेयर अ कंपाउंड लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू द एयर इज कॉल्ड इसको खिलना, खिलना पता, खिलना किसे कहते हैं, खिलना कुछ ग्रो होती है, फूल ग्रो होता है, फूल क्या होता है, ग्लो होता है, वो ग्रो होता है, उसको बोलते हैं खिलना, जब फूल खिलता है तो उसके पंखे वगैरह फैल जाते हैं, तो उस खिलने को बोलते हैं एफ्लोरेंस। इसको आप क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो उसको, ग्लो, ग्लो लिख लो उसको, और क्या, ग्लो या फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कुछ भी लिख लो, ग्लो लिख लो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, फेनोमेनन, फेनोमेनन सर ये वर्ड जाना पहचाना से लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल, नेचुरल जो एक्टिविटीज होती है नेचर के अंदर, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको फेनोमेनन बोलते हैं, तो वो होता है फेनोमेनन, फेनोमेनन का नेचुरल एक्टिविटी होती है, नेचर में एक एक्टिविटी होती है क्या, एक एक्टिविटी वेयर, एक एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है, अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब क्या, दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर, जब क्या करता है, लूज करता है अपने वाटर को, लूज करता है अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, वो भी कब, ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर, जब सूखी हवा, जब ऊपर ड्राई एयर उस कंपाउंड को टच करती है और वहाँ पे वाटर इवापोरेट होने लगता है उस एक्सपोजर की वजह से, तो उस फेनोमेनन को, उस एक्टिविटी को हम पता है क्या नाम, एफ्लुएंस कहते हैं। जैसे रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन शेप, जैसे रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन शेप, और इसके रिजल्ट की वजह से उसकी शेप भी चेंज आती है, यानी क्रिस्टलाइजेशन जब निकलेगा तो शेप भी चेंज हो जाएगी, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेगा तो वाटर तो शेप चेंज हो जाएगी, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली द क्रम्बलिंग ऑफ क्रिस्टल्स इनटू अ पाउडर, और बाद में वो पाउडर से जो क्रम्बल हो जाते हैं, क्रम्बल में चूर चूर हो जाते हैं, पाउडर में चेंज हो जाते हैं। सब्सटेंस स्विंग एफ्लोरेंस आर कॉल्ड एफ्लोरेसेंट, एफ्लोरेंस, एफ्लोरेसेंट ही बोलना इसको, एफ्लोरेसेंट, सॉरी एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ये फेनोमेनन होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ऐसा फेनोमेनन होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेंस अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर, प्रेशर इन द हाइड्रेटेड क्रिस्टल एक्सीड एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, दस इट इज मिनिमाइज ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, कुछ नहीं कह रहा, नॉर्मल सी बात है, आप पेपर को पढ़ के देखो, दो तीन मिनट जाने से पहले पॉज करो, आई थिंक दो तीनों पढ़ दिया होगा, अब उसको जरा समझो मेरे साथ, वो कह रहे फेनोमेनन होता है, ये कब होता है, तो कौन सा वाला फेनोमेनन, ये एक्सपोजर ऑफ ड्राई एयर,
ड्राई एयर का मिलना सर ये कब होगा, यानी वेपर प्रेशर, यानी एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा जो किस पे लगेगा, एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल पे लगेगा, एक गीले मेटल पे लगेगा, उस कंपाउंड पर लगेगा। और जब वो वेपर ज़्यादा हो एटमोस्फेरिक प्रेशर से, यानी वो वेपर एटमोस्फेयर को हरा दे और बाहर निकल जाए, वो बाहर निकल जाए उसमें हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के अंदर ऑलरेडी इतना प्रेशर बन चुका है वेपर का बाहर निकलने के लिए, और वो प्रेशर ना एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो सब जब वो एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हरा देगा और बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो वो क्रिस्टल कैसे रह जाएगा, डिहाइड्रेटेड रह जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं दिस दस इट इज मिनिमाइज ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, तो ये जो अब देख रहे दस इट इज मिनिमाइज ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, केसेस कम होते हैं, ये जो एक्यूटी होती है ना, ये जो एक्यूटी होती है एफ्लुएंस वाली, ये कम होती है, कब होती है ह्यूमिड सिचुएशन के अंदर। ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर क्यों, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम एटमोस्फेयर में ही पानी होता है, तो पानी पानी से लड़ ही नहीं पाता बेचारा, तो इस केस में जो एक्टिविटी कम होती है थोड़ी सी। एग्जाम्पल दे रहा है वो एफ्लोरेंस सब्सटेंसेस के, वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल है जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर, वॉशिंग सोडा घर में भी होगा कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा, जब उसको ड्राई एयर में रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट बन जाएगा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, थोड़ा सा गीला हो जाएगा, आप देखोगे तो घर पे करके देख लेना क्यों हो जाता है ये बेसिकली। यहाँ पे तो पता है ये क्या है लिखा है, अच्छा मोनोहाइड्रेट लिखा हुआ है ठीक है, वो कह रहा है बहुत ज़्यादा गीला होगा पर थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर ये थोड़ा सा सूख जाएगा, इसमें से बेसिकली आप देखो ना तो क्या हो रहा है, टेन एच टू थे, टेन एच टू में से नाइन एच टू तो कम हो गया, यानी बहुत सारा पानी तो क्या हो गया कम हो गया, एयर में रहते क्या हो गया पानी कम हो गया। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कुछ भी उन्होंने, बस नाम दिया है कि ये मोनोहाइड्रेट बन जाएगा। सर मोनोहाइड्रेट क्यों बोला, जब पावर 10 थी तो इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, जब पावर बन रह गई, सर बन तो लिखते रहिए ना इसलिए बन रहेगी, तो बन को बोलते हैं मोनो, बन को बोलते हैं मोनो। ठीक है, एक देखा ग्लोबर से सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट जिसको क्या बोलते हैं सोडियम सल्फर डेकाइड, सर डेकाइड को लिखा पावर 10 होगी ऑब्वियसली पानी की, तो देखो पानी पावर 10 है इसकी, तो ये कह रहे बिकम सा पाउडरी एनी हाइड्रेट सोडियम सल्फेट, यानी पाउडर पाउडर बन जाता है ये कब, जब ये हवा की प्रेजेंस में आता है। देखो 10 पानी के सब्सटेंसेस के अंदर 10 के 10 ही सारे सारे के सारे अलग हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा बचाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बचाता है, एक एलिमेंट बचाता है मोनो, यहाँ से बिल्कुल ही हट गया, बिल्कुल ही हट गया। ठीक है, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है, हेप्टाहाइड्रेट, तो जब इसको एक्सपोज किया जाता है तो ये भी मोनोहाइड्रेट हो जाता है, यानी इसमें सात होते हैं तो सात में से छः हट जाते हैं एक रह जाता है। ठीक है, दिया हुआ है, नोट द हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर द हायर द एफ्लोरेंस। हाँ ठीक है, दिस इज बिकॉज एयर एब्जॉर्ब्स मोर वाटर विद राइजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, या फिर सिंपल सा मैं अगर इसको ऐसे लिखवाऊँ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो ये एफ्लुएंस वाली एक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, मैं बाकी से बेटा बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ी तो तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप इसको यहीं तक रखो, आप इसको यहीं तक रखो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आपके डाउट्स के साथ। ठीक है।